कई बार मेरी दादी क्षेत्र में दौरा करने आई। मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा उठाई थी। जब रेल मंत्री बने थे तो पहला रेल का फैक्ट्री, स्लीपर का फैक्ट्री देश में अगर कहीं बनाया तो वो खंडवा में बनाकर आप लोगों के लिए समर्पित किया था। लाखों लोगों को उससे रोजगारी मिली। एक ही दिन में खंडवा क्षेत्र के लिए ट्रेन के स्टॉपेज की ऐसी बरसात की कि एक ही दिन में 8 ट्रेनों की स्टॉपेज खंडवा में दिलवाई थी जब रेल मंत्री थे। तो एक विकास का संबंध, अतीत में एक स्वतंत्रता की लड़ाई का संबंध, वर्तमान में एक विकास का संबंध सिंधिया परिवार का आप लोगों के साथ रहा। सिंधिया जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो हुआ था वही वो यहाँ पे गिनवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके पास जो मंत्रालय है, आज बिना विभाग के मंत्री हैं, उड़ान मंत्री हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पूरा हवाई जहाज पूरा भेज दिया गया है टाटा को। दुनिया में एकमात्र ऐसे मंत्री होंगे ये हिंदुस्तान नहीं कि जो मंत्री बने हैं लेकिन इनके पास एक भी हवाई जहाज नहीं है। आज इनकी हालत ये है कि तमाम महिलाओं को पट्टे के नाम पे लालच दे दे के वहाँ पे बुलाया गया। आज सिंधिया जी से उसी सभा के अंदर काफ़ी महिलाओं ने जवाब सवाल किए और हुड़दंग किए। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेहद वातावरण बेहद ख़राब है। और साथ साथ लोग पूछना चाहते हैं कि भाई तुमने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र को क्या दिया सिवाय बेरोजगारी। आज पानी हालत ये है कि खंडवा में 4-4 दिन में पानी आता है और इतना गंदा पानी आता है जो पीने लायक रहता नहीं है। जो हमारे यहाँ से नर्मदा नदी निकली है उसका सब में पहला दोहन हमारे इस खंडवा क्षेत्र को होना था, खंडवा क्षेत्र को मिलना था, उसका लाभ वो नहीं मिल पाया है। इस बात का मैं सिंधिया जी से जवाब चाहता हूँ। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।